इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के केंद्र में स्थित नागपुर शहर का कौशल और क्षमता विकास संस्थान है, जो प्लेसमेंट के मामले में बेजोड़ साबित हो रहा है। सबंसका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सभी छात्र 2007 से उच्च पदों पर आसीन है, इसलिए यह संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत अभियान के प्रचार प्रसार में रोल मॉडल है और आदर्श बना है, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई है। सबंसका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हाल ही में गोवा से नागपुर शिफ्ट हुई है। इसका उद्घाटन 7 अक्टूबर 2022 को हुआ और इसके बारे में समाचार विभिन्न स्थानों पर प्रकाशित होने के कारण यह वर्तमान में हर जगह चर्चा में है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नियोजित उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष थे। सबंसका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को एकमात्र संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो निर्माण उपकरण और भारी वाणिज्य वाहनों के रखरखाव के क्षेत्र में कौशल और दक्षता विकसित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। थोडक्यात अशी सुरुवात झालेली आहे की माझा जो काही प्रवास आहे हा प्रवास टाटा हिटाचीमधनं सुरू झाला, म्हणजे 1981 झाली 1981 मैं हिंदी मराठी किस में बात करूँ, दोनों मिक्स करके चले गए ना सर। सो 1981 से जो शुरू हुई मेरी जिंदगी की कहानी वो टाटा हिटाची से शुरू हुई और वहाँ पे मैंने 20 साल नौकरी की। 20 वर्ष मैं तिथे नौकरी करत होतो आणि 20 वर्ष नौकरी केल्यानंतर एक असा विषय आला आयुष्यामध्ये, एक म्हणतात त्याला एक कलाटणी आली की ज्याच्यामध्ये मी नोकरी सोडली आणि त्या नोकरी सोडण्याच्या मागची जी एक कल्पना होती की आपण स्वतःच्या पायावरती उभं राहावं, स्वतःचा काहीतरी व्यवसाय करावा आणि त्याला पाठिंबा जो देणारा घरातला व्यक्ती असतो तो कोणी नसून ती माझी अर्धांगिनी होती, कारण तिचा जर का पाठिंबा नसता तर टाटासारखी नोकरी सोडणं निश्चितच कठीण आहे। व्हॉल्वो डीलरशिप सुरू केली आणि त्याच्या आधी मी पण कॉलेजमध्ये लेक्चरर होती। जेव्हा आम्ही हा निर्णय घेतला की आम्ही स्टार्ट करतोय, आम्ही दोन माणसांपासून आम्ही दोघं जणांनी मिळून स्टार्ट केली। सो पूर्णपणे फोकस देण्याच्या दृष्टीने मग आम्ही दोघंही ह्या व्यवसायामध्ये आलो। ही वॉज ऑलवेज अ फ्रंटमॅन कारण हे त्या बॅकग्राऊंडमधून आले होते स्केटरच्या। पण मग बाकी पण जेव्हा तुम्ही बिझनेस सुरू करता तेव्हा बरेचसे विभाग असतात, ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे, फायनान्स आहे, सो ह्या दृष्टीने आम्ही ते एकत्र सुरू केले। हा आमचा जर्नी 2000 स्टार्ट झाला आणि आज आपण 2022 आहोत की आम्ही सक्सेसफुली 22 व्यवसाय केला। संस्थान में स्नातक, डिप्लोमा, फ्रेशर्स और इंजीनियरिंग स्नातकों के साथ साथ देश भर के आईटीआई के विभिन्न ट्रेड के छात्र हैं। सबंसका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्रशिक्षित लगभग 50% छात्र विदेशों में कार्यरत है, जबकि बाकियों को भारत में विभिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठित नौकरियां और अच्छे पद मिले हैं, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मुहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।